हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का नया अपडेट आज रिलीज किया है। आप देख सकते हैं, मैंने इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है जिसका लिंक है ignou.ac.in। दोस्तों, रिजल्ट को चेक करना बहुत ही ईजी है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको फ्रंट पेज पे यहाँ पर रिजल्ट का टैब दिखेगा, ठीक है। रिजल्ट के टैब पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इग्नू के जितने भी रिजल्ट हैं उनमें आपको क्या ओपन करना है, टर्म एंड रिजल्ट, ठीक है। टर्म एंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाईलाइटेड ऊपर ही दिखेगा दिसंबर 2022 एग्जाम रिजल्ट न्यू। इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां से आपको आप रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टर्म एंड दिसंबर 2022 एग्जाम रिजल्ट और स्टेटस एज ऑन जनवरी 10, 2023, यानी कि आज 10 तारीख है, आज ही अपडेट आया कुछ देर पहले। इग्नू ने 2-3 घंटे पहले ही ये अपडेट रिलीज किया है, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी तक इग्नू ने सभी कोर्सेज के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है कि आपका मतलब यहाँ पर रिजल्ट ना दिखे, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अभी एक यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर चेक करके बताता हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले इस इनरोलमेंट नंबर का चेक किया था तो इसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। सबमिट करने पर देखिए क्या बता रहा है, इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा मैसेज दिख रहा है आपको तो पैनिक में नहीं आना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आना है। वेट कीजिए, क्योंकि जनरली इग्नू क्या करता है, कम से कम 15 से 20 मतलब अपडेट लाता है, ठीक है। रिजल्ट का मतलब 15 से 20 सेशन तक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तक जो जून में एग्जाम हुआ था, जून 2022 में, उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले ही मतलब कंप्लीटली रिलीज हुआ है, ठीक है। लेकिन जो रीएवेल्यूशन का रिजल्ट है वो अभी भी आ रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ज़्यादा मतलब पैनिक में नहीं आना है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता है इग्नू का। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म एंड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, उनके जो मार्क्स हैं आपके वो अपडेट होते रहेंगे और उनको चेक करने की अलग वेबसाइट है, ठीक है। तो उसको भी साथ साथ में चेक करते रहिए, क्योंकि जब तक आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे तब तक आपके एग्जाम के भी मार्क्स जल्दी वो अपडेट नहीं करेंगे, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।